अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। क्या है बिजनेस के मेरे हिसाब से तीन दुश्मन हैं। पहला है फियर, दूसरा ईगो और तीसरा है शाइनेस। ये तीन लोग आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने देंगे नहीं। अब ये तीनों लोग भाई बहन है, अब फियर आ जाता है तो ईगो भी आ जाता है, शाइनेस भी आ जाती है। शाइनेस है तो ईगो आ जाता है, फियर आ जाता है। तो ये तीनों को जब तक आप अपने माइंड से निकालोगे नहीं, बिजनेस में सक्सेस नहीं आएगा। आप देखो कि फियर क्या है। फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, इट इज अ फॉल्स एविडेंस। इफ आई टेल समबडी कि भाई रतन टाटा जी से आप कॉल करो, तो जनरली मन में क्या आएगा, वो मुझसे क्यों बात करेंगे, व्हाई विल यू वांट कम ऑनलाइन। लेकिन मैंने कॉल किया, मैंने उनके सेक्रेटरी तक पहुंचा हूं, जस्ट बाय कॉलिंग ऑन द लैंडलाइन आई रीच्ड अप टू हर सेक्रेटरी, हिज सेक्रेटरी, और मेरा काम भी हुआ, कुछ काम था, दैट लेडी ओनली सॉर्टेड इट आउट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग फियरफुल है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो बिजनेस में नहीं, मन से निकालना चाहिए कि वट एवर इट इज आई शुड डू इट। क्या होगा नहीं होगा भगवान पे छोड़ दो। स्टीव वॉ जो क्रिकेटर है, उसने एक बुक लिखा है आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। अच्छा, वो बुक में उसने लिखा है द सैडेस्ट वर्ड्स इन लाइफ आर आई शुड हैव, द सैडेस्ट वर्ड्स इन लाइफ आर आई शुड हैव, नेवर से आई शुड हैव, आई ट्राइड, आई फेल्ड, इट्स ओके, बट इफ आई हैड डन दैट आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। दैट इज पेनफुल, दैट इज कैंसर, इट विल कीप ऑन प्रिकिंग यू फ्रॉम इनसाइड, डू इट। तो मैं चाहता हूं कि फियर को बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरा है ईगो। ईगो की स्पेलिंग में ई जी ओ, वहां जी ओ गो है। इफ यू हैव ईगो यू गो आउट ऑफ बिजनेस। अच्छा, यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस, सो यू शुड नेवर हैव ईगो। चाइनीज में, चाइना में एक सेइंग है, आइदर यू फीड योर फैमिली और फीड योर ईगो, यू कैनॉट फीड बोथ। तो ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो का और एक मतलब है एजिंग गॉड आउट। आपके दिमाग से आप गॉड को निकाल देते हो, यू एज गॉड आउट, यू गेट ईगो। ईगो इज अ मास, इट इज वॉट यू वॉन्ट पीपल टू परसीव यू, इज नॉन सेंस। वाई यू आर वरीड अबाउट वॉट पीपल आर परसीव यू, आप जो है वो है। बराबर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग मुझे क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। सो दैट शुड बी आउट। थर्ड वन इज शाइनेस। जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। अच्छा, तो शाइनेस को पकड़ना ही है। आपने करना है तो करना है। तो मेरे को, मेरे सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स को यही मैं हमेशा सेशंस में बोलता हूँ, पहली तीन चीजें आप याद रखो, फियर ईगो शाइनेस, इसको निकाल दो। देखो एक पत्थर है ना, पत्थर उसमें मूर्ति है, लेकिन अनवांटेड पत्थर को निकालो, मूर्ति आ जाती है। परफेक्ट। तो आपके माइंड में सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, इन तीनों को निकालो, मूर्ति बन जाएगी। परफेक्ट। तो बिजनेसमैन शुड रिमेंबर दिस एंड ही विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।